कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 54 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 86,961 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई है। वहीं इस दौरान 1,130 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 93,356 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 43,96,399 है। राहत की बात यह है कि नए संक्रमण से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। ऐसा लगातार तीसरे दिन हुआ है जब नए संक्रमण से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। देश की रिकवरी रेट 80.11% पर पहुंच गया है। फिलहाल कुल एक्टिव मरीज 18.28% यानी कि 10,03,299 है। मृत्यु दर 1.6% चल रही है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 11.88% पर है, यानी जितने भी सैंपलों की जांच हो रही है उनमें से 11.88% मामले पॉजिटिव निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 7,31,534 टेस्ट हुए हैं। अब तक 6,43,92,594 कुल अकेले टेस्ट हो चुके हैं।